देखिए, कल एक्सपोनेंट एंड पावर में मैंने बहुत कुछ आप लोग को समझा दिया था। अब हम लोग आगे चलेंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर के दो वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसको समझ में नहीं आता है आप देख सकते दो किए। अब एक्सपोनेंट एंड पावर में मैंने जो आप लोग को समझाया था पहले, ये कि एक्सपोनेंट होता क्या है, किस नंबर पे कैसे पावर होता है, वो मैं नहीं बताऊं। मैंने ये भी बता दिया है कि किसी भी नंबर का को एक्सपोनेंट में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, या कोई एक्सपोनेंट में लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। दो तरह के मैंने क्वेश्चन आप लोग को बताए थे। कल क्लास ली थी तुमने तो समझ में आ ही रहा होगा, और जिस भी बच्चे को बेटा अगर नहीं होगा तो आपने नहीं लिया है तो यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, ऋतिक बता देगा आपको। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिए थे। उसके बाद चलिए कुछ क्वेश्चन करके वार्म अप कर लेते हैं। नोटबुक हर बच्चा निकाल के रखेगा अपना। एक्सपोनेंट एंड पावर, देखो मैं कहूं कि 5 का पावर 3 या 5 क्यूब और 3 का पावर 4, इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, मतलब ये देखना है। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, 5 क्यूब मैंने ये दे दिया, आप कंपेयर करो कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। आपको पता ही है कि इस तरह करेंगे, 5 × 5 × 5, ठीक है, और यहां 3 × 3 × 3 × 3, ऊपर पावर 4 है तो 4 बार 3 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ऊपर पावर 3 है तो 3 बार 5 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, यूट्यूब पे वीडियो देखना आप लोगों ने क्लास नहीं लिए कल। तो 3 बार है तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, ठीक है, इस तरह। ये नहीं कि 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, ऐसे मत कर दीजिएगा। हाँ, इसीलिए मैंने आपको बताया ना, इसलिए मैं एक करके दिखा रहा हूं। अब 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81 होता है। तो बेटा 81 आपको समझ गए, मैं आ ही गया होगा, जो बड़ा होगा छोटे को तीर मारेगा, और जब तीर मारेंगे तो दूसरे को मारेंगे ना, कोई अपने गर्दन पर रख के थोड़ी बंदूक चलाता है। कंपेयर में आप विश्वास नहीं करेगा ना, एक छोटा बच्चा था, मैं उसको सिखा रहा था, उसे पता था बड़ा और छोटा कौन है, लेकिन वो समझ नहीं पाता था ये ऐसे लगाए या ये ऐसे लगाए। तो मैंने उसको एक ही तरीका बताया, बड़ा जो है छोटे को तीर मारेगा। अब बड़ा पहले ले लेते हैं, ये है बड़ा, छोटा ही है, उसको तीर मार दिया, सिंपल है ना, इस तरह समझिए। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंट एंड पावर में कंपेयर भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप लोग नोट से जरूर रिवाइज करते रहिए। आप लोग घर पे है ना, डूब जाइए मैथमेटिक्स में, बिल्कुल। टू का पावर 8 और 8 का पावर 4, ठीक है, 2 का पावर 8, 8 का पावर 4, अगर ऐसा हो तो कैसे करेंगे। नहीं मैं हूं ना, तो 2 का पावर 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करेंगे। अब इसको एक और तरीका अपना लो, एक बार इतना बड़ा बड़ा ना करके छोटा छोटा करो, 2 × 2 = 4, 2 × 8, ठीक है, हाँ और क्या, और ये बाद में दो का रखो, तो 8 × 8 64 हो जाएगा ना, 64 और 4 64 4 जा कर लेंगे, आसान हो जाएगा। और नहीं तो जिसको ज्यादा दिमाग खराब हो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64, 64 × 2 = कितना होगा, मैं ही भूल गया, 128 के करीब होना चाहिए। 128 × 2 = कितना हो जाएगा,
256, ठीक है, तो यहां पर 256 आ गया, ठीक है ना। अब यहां देखेंगे 8 8 जा 64, और 8 8 जा 64, 64 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 125, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 238, 6 9 10 4 4096। अब खुद सोच लो कौन बड़ा है, बड़ा छोटे को तीर मारेगा, सिंपल, ठीक है, आया समझ में। अगर कंपेयर का क्वेश्चन देंगे तो कंफ्यूज मत हो, तुम्हें समझ में आया, मल्टीप्लाई में गड़बड़ मत करिएगा, और वैसे आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, लेकिन आपको कैलकुलेट करके दिखाना होगा, डायरेक्ट आंसर के लिए नंबर नहीं है। कंपेयर समझ में आया आपको, अब देखते हैं आगे कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट। हाँ, अगर आपको थोड़ा क्वेश्चन तो वही है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन चेंज किया गया है, तुम्हें समझ में आया सिर्फ मैंने जो पढ़ाया, पक्का ना, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा आप लोग। दिलीप वहां से यहां आ जाओ, जगह मैं कहूं कि 4 × 10⁴, ठीक है, और दूसरा क्या है 3 × 10⁴, 17, हाँ, तो देखो हम यहां क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, आपको उसी से बात समझ में आ जाएगी। अब आप 10 को 14 बार लिखोगे, 10 को 17 बार लिखोगे, जिसका दिमाग खराब है वो लिखेगा, हमने वो नहीं करना। हम क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका क्या करेंगे, पहले पावर को केवल कंपेयर करना, कंपेयर पावर्स, ठीक है, हाँ, ऑफ 10, बिल्कुल बेटे, लिखेंगे नहीं तो कैसे मैं नंबर दूंगा फिर। अब क्या करेंगे, 10 के पावर को हम कंपेयर करेंगे, 10 का पावर क्या है, इधर 14 है और इधर कितना है 17, क्लियर है। तो हमें यह समझ में आ गया, बड़ा ये है छोटा ये, इधर तीर मार देंगे, 4 और 3 का कोई कॉन्सेप्ट लेके चलने की जरूरत नहीं, बात समझ में आ गया, सीधे पावर को ही कंपेयर करके हम आंसर दे सकते हैं। मैं इसके 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ, चिंता की बात। अब मैंने आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिया था ना, याद है, एक दो और करा था बेटा, इसमें क्या है ना, 4 और 3 में बहुत ज्यादा का डिफरेंस तो है नहीं, नहीं है ना, 4 और 3 में तो छोटा सा ही नंबर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब खुद सोचो, यहां पर 14 बार है, ठीक है, और यहां 17 बार है, तो इसका मतलब जरूर आप याद रखना कि 30 ज्यादा मल्टीप्लाई होगा 17 में, और यहां एक नंबर से कोई अंतर तो पढ़ना नहीं है ज्यादा, इसलिए हम लोग वहां पर पावर को कंपेयर कर लेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जब बिल्कुल नियरेस्ट मामला हो, बात समझ रहे ना, जैसे 5 6 हो, 4 3 हो या 10 12 हो, इतना नियरेस्ट मामला हो, तो आप केवल पावर को कंपेयर कर सकते हैं, और आपको क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 128 और यहाँ 4 दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अभी नहीं, इससे पूछ लो ये बता दे, मुझे पूरा विश्वास है ये नहीं बता पाएगा। देखो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन अपने वीडियो में बता दिया था, नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा रिकैप कराता हूं, बस एक क्वेश्चन का रिकैप, ध्यान दीजिएगा यहां पर सारे, ये बाद में करेंगे, इसको दे दो, बाद में जो आता है करो, अभी नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर 24 का कहें तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, बिल्कुल सही, वेरी गुड, पहले 2 से करेंगे, उसके बाद प्राइम नंबर बताओ, 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 4 अंडे हैं भाई, यही पढ़ाया तुम लोग को मैंने, कल ऑनलाइन क्लास ली थी आपने, ऑनलाइन, बिल्कुल सही बोला आपने,
ऑनलाइन क्लास लेने के बाद आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। मेरी तो कोई किले खरीदवाओगे नहीं, जो मेरे किले और मास्टर के पास कोई ट्रक खरीद लूंगा मैं उस पैसे का। वीडियो आपके लिए बनाई है ना, एक बार ये क्लास लेने के बाद अगर आप वो वीडियो देख लेंगे, मेरा विश्वास रखिए वो कॉन्सेप्ट कभी दिमाग से नहीं जाएगा आपके। ये जरूर करिए आप लोग, ठीक है? और जो ज्यादा इंटेलिजेंट है दीवार पे सर मारिए जाकर के। अरे प्राइम नंबर कौन सा होता है? विशाल खड़े हो जाओ और तेज बोलना, प्राइम नंबर कौन होगा? क्या बोला वो? अरे तो क्लास, एक सेकेंड, मैंने प्राइम नंबर आपको नहीं पता क्या होता है, इसमें क्लास की क्या जरूरत है? हाँ लाडो, प्राइम नंबर याद है क्या होता है? सब अंडे। रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा रुक जा, तू बता। हाँ बोल रहे थे खड़े होके, बताए इसने सबने। अपने में वो नंबर जो या तो वन से डिवाइड होगा, नहीं तो खुद से डिवाइड और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, उसको कहेंगे प्राइम। तो टू के बाद ऐसा नंबर क्या आता है? बोल, थ्री आता है ना, वेरी गुड। थ्री के बाद ऐसा नंबर क्या आता है? टू। क्या बोल रही है? फोर। बैठ जाओ। अरे फाइव आएगा, सेवन आएगा, इलेवन आएगा, थर्टीन आएगा, सेवनटीन आएगा, नाइनटीन आएगा, ट्वेंटी थ्री आएगा, ट्वेंटी नाइन आएगा, थर्टी वन आएगा, थर्टी सेवन आएगा, फोर्टी वन आएगा, इस तरह से हंड्रेड तक प्राइम नंबर होते हैं सारे। ये किसी के टेबल में नहीं आते। अब अगर आप थर्टी सेवन को देखो तो या तो ये वन से कटेगा, नहीं तो थर्टी सेवन से कटेगा। देखो कैसे होगा, 37 वन जा 37, दो ही फैक्टर निकले ना इसके, समझ में आया? प्राइम नंबर पता नहीं यार, पांचवी क्लास से प्राइम नंबर पढ़ा रहे हैं लोगों को, कंपोजिट नंबर। एलसीएम सारे बच्चे निकालते हैं ना, कल भी बेटा मैंने इसमें बहुत ज्यादा भाषण दे दिया था। एलसीएम में किसी भी नंबर को नहीं लेते, याद रखना, एलसीएम निकालना सीखा है ना। तो आपने ये किसी से, मैंने केवल आपको टीचर ने ये बताया कि पहले बेटा टू ही लेंगे। एक बच्चे नहीं कहते सर जी 12 ले लें क्या, ऐसे सीना तान के, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 12 प्राइम नंबर नहीं है। बात समझे? 8 नहीं ले सकते क्योंकि 8 भी प्राइम नंबर नहीं है। 2 एक प्राइम नंबर है, इसलिए 2 को लिया, फिर 2 को लिया, फिर 2 को लिया, अब 3 आ गया, अब तो कटेगा नहीं। अरे थ्री वन जा थ्री करो या ना करो, उससे कोई मतलब नहीं, वो वहीं पर खत्म मान लो उसको, ठीक है? तो आप सबसे पहले टू से डिवाइड करोगे, उसके बाद अगर टू से अब नहीं हो रहा है तो फोर से नहीं जाओगे, आठ से नहीं जाओगे, उसके बाद थ्री से चेक करोगे, उसके बाद अगला प्राइम नंबर तीन के बाद पांच है, सात है, ग्यारह है, इन सबों से ट्राई करोगे। तो एलसीएम जब निकालते हैं तो इन प्राइम नंबर्स को ही हम ट्राई करेंगे, अपने से कोई भी नंबर नहीं उठा सकते। इज दैट क्लियर? मुझे पूरा विश्वास है, जो मैंने कल क्लास दिया इससे पहले किसी भी बच्चों को ये बात पता नहीं थी। प्राइम फैक्टराइजेशन सारे निकाल रहे थे, एलसीएम सबको पता था क्या होता है, लेकिन ये नहीं कर रहा था कोई। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आया बेटा आपको? नहीं आएगा तो हाथ उठा करके पूछ लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। और विशाल वीडियो देखी थी तुमने, तो क्या कर रहे हो भाई मेरे? जब अपने क्लास मैंने कहा था ऑनलाइन लूंगा, आपने ऑनलाइन क्लास ली थी? अच्छा, वीडियो तो देख लेनी चाहिए आपको। इसको बार बार इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि मैं ना एक चीज पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। आप वीडियो देखो फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है? वीडियो देखिए घर पे जाके। तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है? चलिए एक थोड़ा खतरनाक वाला कर लेते हैं, उसके बाद काम खत्म करते हैं। और सब लोग बच्चे कहेंगे सर जी ये कोई खतरनाक थोड़ी है, जिससे पूछेंगे बेटा वही जवाब देगा, सारे बच्चे जवाब नहीं देंगे। आशीष मेरे पास आ जा, रुक जा बेटा, ये बता किससे डिवाइड होगा? टू से हो रहा है, टू से हो रहा है, कैसे हो रहा है? आपको डिविजिबिलिटी याद है? डिविजिबिलिटी क्या होती है, कैसे? तो जैसे आए थे वैसे जाइए। एक सेकंड लाडो तू बता,
आंख ऐसे नीचे कर रही है कि कोई मास्टर पूछ ना ले। अरे बेटा पूछूंगे ही हम, फाइव से होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप कहां से आते हो? आप लोग मंगल ग्रह के हो। आपने देखा टू से नहीं होगा, रूल देखिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही। तो थ्री का चेक करेंगे, थ्री का चेक करेंगे कि थ्री से डिविजिबल है कि नहीं। थ्री में कैसे होगा, फाइव प्लस फोर नाइन होता है ना, हो जाएगा। चार को जीरो में प्लस करेंगे तो कितना होगा, चार। और चार को फिर चार प्लस जीरो प्लस पांच, तो चार को जीरो से करेंगे तो जीरो, और चार ही आंसर, मैंने चार ही आंसर आ गया, और चार को पांच से करेंगे तो नौ। यही डिविजिबिलिटी है ना, थ्री के टेबल में नाइन आता है तो थ्री से पहले करेंगे। थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, पांच तीन आठ और एक नौ, नाइन हो गया ना। अब थ्री से ही कटेगा, थ्री फोर जा ट्वेल्व, एक उधर चला गया, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, पांच और चार नौ है ना, फिर थ्री से ही कटेगा। थ्री वन जा थ्री, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, पांच फाइव वन जा फाइव, करो या ना करो, बात समझ में आई? हाँ मैं बता रहा हूं, देखो ना, फोर जीरो फाइव को बेटा क्या लिखेंगे, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव। अब क्या करेंगे, दो अलग अलग तरह के नंबर है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, थ्री में कितना, वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स है तो तीन के ऊपर चार की पावर लिख देंगे हम लोग। लाडो लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ वीडियो में, क्यों परेशान होती है? और पांच एक ही बार है बेटा, तो पांच को ऐसे ही लिखेंगे, वहां वन कभी ऊपर नहीं लगाते। अगर एक ही बार पांच आ रहा है तो केवल पांच लिख देंगे। अगर पांच अगर ऐसे लिखा है, इसका मतलब पांच एक बार आ रहा है, वो हिडन होता है, उसको हम नहीं लिखते। तुम रीड कर रहे हो या मैं मुक्के मार के रीडिंग कराऊं तुमसे? क्या बेटा दो टाइम फाइव हो, कोई बात नहीं, अगर दो टाइम फाइव होता तो यहां पर टू लिख देते, बात खत्म, इसमें क्या करना, ठीक है यार। डिविजिबिलिटी पता नहीं है, क्या करें हम, पढ़ाएं और क्या करें। लीजिए फिर डिविजिबिलिटी देख लीजिए एक बार जरा, रिकैप। क्या जीवन है यार, देखो ध्यान देना, डिविजिबिलिटी सिखा दे रहा हूं, सेवन का नहीं सिखा रहा, उसकी जरूरत भी नहीं है, रहने दो उसको, नहीं तो सेवन का सिखाएंगे सब ये लोग धोखे बैठ जाएंगे, ठीक है। टू का देखिए डिविजिबिलिटी, याद रखिएगा हमेशा, जब आप लोग वीडियो देखते हैं ना तो वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ऐसे उंगली से ले लेना और कागज पे उतार लेना, जो मैं ये लिखवा रहा हूं इसके अंदर से नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर तो वो होगा नहीं। डिविजिबिलिटी रूल्स देखिए, हाँ वीडियो बन रही है, सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है। टू कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में जीरो टू फोर सिक्स या एट हो, जैसे कि मैं बता दूं, टू हंड्रेड टू थ्री वन जीरो लास्ट में जीरो है ना, फोर वन थ्री टू लास्ट में टू है ना, नाइन एट सिक्स फोर लास्ट में फोर है ना, एट सेवन थ्री सिक्स लास्ट में सिक्स है ना, टू नाइन एट सेवन एट लास्ट में एट है, दिख रहा है? ये लास्ट का नंबर जीरो हो टू हो फोर हो सिक्स हो एट हो तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बिना डिवाइड के समझ जाएगा टू से डिवाइड होगा। बात समझ में आई? आई ठीक। तीन का डिविजिबिलिटी देखिए, हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, नाइन सॉरी वन थ्री फोर सिक्स टू, आठ छह चौदह ठीक है, ये मैंने एक नंबर दिया, इतना बड़ा नंबर दिया ना, देखते बुखार लग गया। अब क्या करेंगे, इनके डिजिट्स को प्लस करेंगे, कैसे, वन में तीन, उसके बाद चार छ दो दो, क्या आएगा, एटीन आएगा, तीन एक चार, चार चार आठ, आठ और छ चौदह, चौदह और दो सोलह, सोलह और दो अठारह, अठारह है ना। तो जोड़ने के बाद ऐसा नंबर हो, ऐसा नंबर हो
जो थ्री के टेबल में आता है तो वो थ्री से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और अगर बेटा कुछ ज्यादा बड़ा आ जाए, 30 से बड़ा आ जाए, तो एक बार तीन से डिवाइड करके भी देख लेना, जो कि मुश्किल ही है। अभी जिस क्लास में हो उतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, आपको जोड़ के टेबल का पता चल जाएगा। क्लियर है? आया समझ में थ्री का डिविजिबिलिटी? तुमको नहीं समझ में आएगा तो बता, ठीक है? आया? फोर, फोर के लिए क्या करना होता है, देखिए 2408213642804980013400 ये सारे नंबर्स लिखे हैं ना, मैं जान करके है ना हमेशा खतरनाक वर्ड ही लिखता हूं जो आपको खतरनाक लगता है, ताकि है ना आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। जिस किसी भी नंबर का लास्ट का दो डिजिट या तो फोर के टेबल में आता है, और अगर टेबल में नहीं आता है तो फोर से डिवाइड करके देख लेंगे, कट जाए तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा क्या, जिसके लास्ट में डबल जीरो हो। अब डबल जीरो का मतलब पता है क्या, कि अगर 986 तो लास्ट का दो जीरो तो है ही ना, ये सारे ज्यादा भी जीरो हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर 1000 है तो लास्ट में दो जीरो है ना, ये भी फोर से डिवाइड होगा। बात समझ आई? लास्ट में दो जीरो होना चाहिए। अब देखो हमारा ये जो है, एक सेकेंड, अब लास्ट में बेटा 08 है, ध्यान दीजिएगा 08, तो 08 का मतलब तो 8 ही होता है ना, इससे पहले जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो 4 2 8 हो गया। लास्ट में बेटा 64 है, 4 के टेबल में नहीं आता, हम इसको डिवाइड कर लेंगे, जो बड़ा नंबर होता है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। देखो करके दिखा देते हैं, 4 1 4, 6 में 2 गया, 4 गया तो 2, यहां से 4 लाएंगे, 4 6 24 हो गया ना खत्म, 16 आंसर आ गया ना। तो 4 से ये डिवाइड हो गया ना लास्ट का दो नंबर, अगर 4 से लास्ट का दो नंबर डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। लास्ट में 0 और 4 है, तो 0 और 4 का मतलब 4, 4 1 4, 4 से डिवाइड। लास्ट में 2 0 है, 4 से डिवाइड होगा, लास्ट में 2 0 है, 4 से डिवाइड होगा। बात खत्म, समझ में आई? तो 2, 3 और 4 समझ में आया? गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, देखिए अब बात करते हैं 5 की। ये रहा 5, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो, लास्ट में 0 है, लास्ट में 5 अगर है तो 5 से डिवाइड होगा। बात खत्म, ये देखना है 5 का सिंपल। 6 का देखो, जो 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी डिवाइड हो रहा हो, तो पहले 2 का और फिर 3 का चेक कर लेना, अगर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से हो जाएगा। और याद रखना 6 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी भी नंबर के लिए, क्योंकि 2 और 3 से हो रहा है तो 6 से करेंगे क्यों होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में आप खुद सोचो, जो नंबर 2 से ही हो जा रहा है तो हम 3 से भी नहीं करते उसको, तो 6 में क्यों जाएंगे। तो मैंने बता दिया, केवल याद रखिएगा। 7 को रहने दीजिए, 8 को देखिए, 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा का पूरा माना जाएगा 8 से डिवाइड हो रहा है। अब लास्ट के 3 नंबर को 8 से डिवाइड करके देख लेंगे, क्योंकि मुश्किल ही टेबल में आएगा। अब ये तो आ जाएगा, 0 हो और 2 डिजिट का नंबर हो तो आ जाएगा, 8 8 64, लेकिन सारे तो नहीं आएंगे ना, ठीक है। 9 का देखिए, हाँ बिल्कुल, इसको इरेज कर देते हैं 8 वाले को। 9 का ऐसा है कि मान लो 1 3 2 4 6 7,
अब देखो प्लस करके देख लेते हैं, 314, 429, sorry 426, 6410 पता है मेरे को। अरे मुझे इनको तो सिखा लें, तो मुझे तो मैंने तो जोड़ के ही बनाया, तो मुझे पता है 27 ही है वो। वन में थ्री प्लस करेंगे तो चार हो जाएगा ना, चार और दो छह, छह चार दस, दस और छह सोलह, सोलह और सात कितना हो जाएगा 23, 23 और चार 27, 27। तो अगर वो नंबर जो 9 के टेबल में आता है प्लस करने पे, वो 9 से डिविजिबल है, 3 और 9 में कोई अंतर नहीं, सेम ही रूल चलता है बस, ठीक है। उसके बाद 10 का देख लो, जिसके लास्ट में जीरो होगा, एक हो दो हो दस हो बीस हो कितने भी हो, लास्ट में जीरो है, 10 से डिवाइड, सिंपल हो गया, खत्म। हाँ बिल्कुल, नहीं जरूरत पड़ती है ना, लेकिन बता दिया बच्चों को, अब क्लियर हुआ, याद रखना और घर पे लिख लेना नोटबुक पे वीडियो पॉज करके। 11 की डिविजिबिलिटी बेटा इसलिए नहीं सिखाई क्योंकि इसके लिए 22 मिनट की वीडियो बना रखी है, एक की, अब मतलब आपके ना खून में चला जाएगा वो डिविजिबिलिटी, क्योंकि फोर्थ और थर्ड क्लास को समझाया था, है ना, आता है बढ़िया है। और जिस बच्चे को नहीं आता है मेरे को आज मैसेज कर देना, 8 बजे रात के बाद मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जिसको देखने का मन करेगा देख लेगा। तो वो ऐसे आपको पता है, बढ़िया है, जिन बच्चों को नहीं पता है बताना पड़ेगा ना एक बार, तो वो बना रखा है पहले क्यों बताएं, वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं भाई, तो किसी भी नंबर को या तो एक्सपोनेंट में लिखना होगा, नंबर दिया होगा तो उसकी वैल्यू निकालनी होगी, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालना होगा, ये समझ में आ गया, एलसीएम की तरह, मतलब कि लाडो अभी करा ना, इसके नहीं समझा, आंखें बता देती है, 405 था, हमने क्या किया, क्या ना, ऐसा लिख दिया ना, इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा एक्सपोनेंट लिखना, बात समझ में आ गया। ओके अब हम लोग जानते हो फंसते कहां है, कोई नंबर हो तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर वन हो ना उसके ऊपर पावर होता है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, वो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं कहूं पावर ऑफ वन, देखो ध्यान देना, मतलब कि वन के ऊपर पावर, ठीक है, वन के ऊपर पावर, बढ़िया। अब मान लीजिए मैं कहूं कि वन का क्यू, मतलब वन का पावर तीन, इसका मतलब क्या हुआ, एक गुना एक गुना एक, ये भी आसान है। वन का पावर फाइव करें बेटा तो क्या होगा, वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन, अगर एट हो तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एक करोड़ होगा तो एक करोड़ आएगा, वाह मुन्ना वाह, इसीलिए तो कह रहे हैं ना गुलाब जामुन खाया करो निचोड़ करके, एक वन वन जा वन वन जा वन, फिर वन वन जा वन, एक को एक के ऊपर चाहे कितना भी पावर क्यों ना हो आंसर क्या होगा, वन ही होगा, ये बात के लिए आपको याद रखना, आंसर वन ही होगा, आंसर वन ही होगा, आंसर वन, बात समझ में आ गया। तो कभी भी पावर से कंफ्यूज मत करिएगा, ये नहीं कि एट हो गया तो एट वन जा एट कर देना, आप ऐसा नहीं करते। हाँ लेकिन अभी तमाशा बाकी है, आप कहोगे सर जी वन तो कुछ भी नहीं है, है ना, ये तो रायते की तरह निकल गया, माइनस वन को जरा देख लेते हैं। मैं कहूं माइनस वन जो है, ठीक है, इसका पावर तीन कर दो, तो इसका मतलब पता है माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, ठीक है, जिसे पूछेंगे वो बोलेगा, ध्यान देना, माइनस वन था
ये वन के साथ ही नहीं होगा, सारे नंबर के साथ भी अप्लाई होगा, लेकिन वन का ही हम देख रहे हैं। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस को माइनस से करेंगे तो क्या होगा। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई निगेटिव नंबर का एक्सपोनेंट या पावर दिया गया हो तो उसका आंसर भी निगेटिव। माइनस 384 का पावर अगर 1000 भी क्यों ना दिया हो तो जो भी आंसर होगा वो माइनस में ही होगा। क्लियर है? अगर 486 का पावर 25 दिया हो तो चाहे कितनी बार भी प्लस हो उसका आंसर प्लस ही होगा, ठीक है, माइनस नहीं होगा, बिल्कुल उसमें प्लस में आएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर हाँ एक से अधिक बार हुआ तो तब ये कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे अच्छा है देखिए, जैसे माइनस वन का अगर स्क्वायर हो तो क्या करेंगे, माइनस वन इंटू माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, बात समझ में आई। दो बार माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, लेकिन क्यों हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो फिर माइनस हो जाएगा। दो बार से ज्यादा बार अगर कभी भी अगर आए तो माइनस का आंसर हमेशा माइनस में होगा, और अगर केवल दो बार पूछा जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बात समझ में आई, अभी और कराएंगे, चिंता मत, देख लेंगे। माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये कैलकुलेशन के ऊपर, एक मिनट, आप लोग को जो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट पता है, एक बार से सीरीज आगे बढ़ते जाएगी। चलो मैं इसको नए सिरे से समझाता हूं, ध्यान देखो, मैं यहां चार सीरीज बना रहा हूं, ठीक है, क्लियर होगा। माइनस वन का पावर सेवन, माइनस वन का पावर फाइव, माइनस वन का पावर टेन और माइनस वन का पावर सिक्स, ठीक है। इसका मतलब हुआ अरे मुंह से मत बोलो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ना, मैं काउंट कर रहा हूं ना। माइनस शांत रहिए, आप लोगों को पता है तो मेरे को पढ़ा तो लेंगे, और बच्चों को नहीं पता हो तो यहाँ ध्यान दो बेटा, किधर बेटे, वहां कुछ अलग मास्टर छुपा रखा है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। देखो सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो सबसे लास्ट क्या आया, यही आया ना, माइनस वन आंसर, समझ में आया, आ जाएगा, दिमाग लगाओ। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस वन हो गया ना, आया समझ में। अब ठीक है बेटे, क्लियर, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 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 माइनस माइनस प्लस। तो प्लस मतलब हम लिखते नहीं है, प्लस वन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, मतलब केवल वन आने, समझ में आया। अब इसको देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस वन, प्लस वन लिखते नहीं है हम लोग, केवल वन लिखते हैं, सिंपल है। चलो
मेरे पास नहीं, ड्यूरिंग क्लास में किसी से कोई अटेंड नहीं करता, जो आता है करिए। देखो सब्र करो, अगले हफ्ते साइंटिफिक नोटेशन भी जान जाओ। माइनस 10 का क्यू जैसा वन था वैसे ही करेंगे, ठीक है। यहां पे एक चीज याद रखना, नंबर कुछ भी हो पावर तो सॉरी माइनस प्लस तो देखना ही हमको जैसे है, तो माइनस टेन इंटू माइनस टेन पहले हम लोग है ना माइनस माइनस या प्लस प्लस क्लियर कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस तो हो गया, अब क्या है बेटा, तीन बार टेन है तो टेन टेन जा हंड्रेड, हंड्रेड टेन जा थाउजेंड, ठीक है। तो माइनस 1000 इज द आंसर। समझ में आया, किसको समझ में आया हाँ तो फिर से समझाऊंगा मैं, आपको आया ये नहीं। माइनस 10 का क्यू, तो तीन बार माइनस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ठीक है। तीन बार माइनस 10 को करेंगे तो माइनस 10 इंटू माइनस 10 इंटू माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, क्लियर। अब ये माइनस ले लिया हमने और तीन बार 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 जा 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो 1000 आएगा, ठीक है। तो माइनस 1000 इज द आंसर, सिंपल। तो याद रखिएगा कोई भी नंबर हो आपने घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यही पैटर्न अपनाना है। ये मैंने माइनस का सिखा दिया, प्लस में तो कुछ सोचना नहीं है, प्लस में तो साइन का कोई इशू ही नहीं है, माइनस में ही तो इशू है ना, बोलो। नहीं अभी नहीं हो पाया, उसको मैं पॉज पे रखा है, मैंने अभी कर पाई, तबीयत एक दो दिन से ठीक नहीं है तो, ठीक है ना, नहीं तो मैं कर लेता। आज तो मैं मैथ पढ़ाना भी नहीं चाह रहा था, मेरे पाँव में बहुत पेन है, लेकिन सोचा कि फिर पढ़ाना तो है ही। छोटे बच्चे कह रहे होंगे ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर किसी का पावर माइनस में होता है तो ये माइनस हटाने के लिए 1/6 का पावर 3 कर दिए, तो 1/6 × 6 × 6 1/206 लिया। तो ऐसे रख दो, नहीं तो डेसिमल में करना चाहो तो डेसिमल में करो। अब मैं आपको एक फ्रैक्शन वाला बता रहा हूं, वो देखिए कैसे हो। क्वेश्चन है कि 1/10 का पावर माइनस 4, ठीक है। ये अगर आ गया ना तो समझिए कि जिंदगी ही आनंदमय होगी। पूछो कैसे, अगर कोई चीज फ्रैक्शन में हो, 1/ लिखा हो, ठीक है, ध्यान देना, और उसका पावर निगेटिव हो, कुछ भी नहीं करना, सीधे वो नंबर लेंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, काम खत्म, हो गया सॉल्व। अब कर दो 10 × 10 × 10 × 10 10000 इज आंसर, हो गया। 10 क्वेश्चन और कर लो। अगर एक सेकेंड, एक समस्या अगर पैदा हो जाए कि सर जी अगर ऊपर 1 नहीं हो तब क्या करेंगे, ये तो 1 वाले के लिए था, अगर ना हो तो क्या करेंगे, तब तो बेटा मौत के कुएं में ही कूदना है। कैलकुलेशन देखो कैसे होगा उसका, मुंह बंद और ज्यादा चल रहा है तो बोतल मुंह के अंदर ठूस ले। 2/3 का पावर माइनस 3 हो अगर, ठीक है, 2/3 का पावर माइनस 3 हो तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का पावर माइनस 3 और 3 का पावर भी माइनस 3, यही होगा ना, इसका भी होगा, दोनों का पावर होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते, लिखा आपने। अब आप देखो कि कुछ हिसाब किताब हो पाएगा या नहीं, एक सेकंड। मैं कहूं कि 2/3 का पावर माइनस 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर माइनस 3 और 3 का पावर भी माइनस 3, दोनों का पावर तो होगा क्योंकि होल टू द पावर है ना, जब होल टू द पावर एक ब्रैकेट के ऊपर पावर लिखा है मतलब दोनों का ये पावर,
समझने की कोशिश करिए। तो अब हम केवल एक एक नंबर को लेंगे, 2 का पावर -3 और 3 का पावर -3, इस तरह देखते हैं। देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 1/2 का पावर 3 लिख सकते हैं, सॉल्व। और इसको देख लेंगे बेटा, 1 का पावर 3 था, 3 का 3। ये माइनस को हटाने के लिए ऊपर 1 लगाते थे ना, दोनों लगा दिया, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी पापा चीजी लेके आएंगे आप लोगों के। 2 × 2 × 2, मैं बिल्कुल समझाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, 2/3 का पावर -3 था, तो मतलब 2 का भी पावर -3 और 3 का भी पावर -3। अब इस नेगेटिव को हमें खत्म करना, कभी भी नेगेटिव आएगा तो खत्म कैसे करते थे, ऊपर 1 लगा के, ऊपर 1 लगा के नीचे अगर 2/3 कर दें तो ये माइनस प्लस में हो जाता है। यहां पर भी 1/3 का पावर -3 था तो उसको भी 1/3 का पावर 3 कर दिया। ठीक है, अब उसको वैसे 2 का पावर 3 है मतलब 2 3 times मल्टीप्लाई करेंगे ना, और 1 का पावर 3 है तो 3 को 3 times मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करके लिखते हैं, 1/8/1/9। ठीक है, नहीं 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 नहीं, 2 × 2 = 4 × 2 = 8 सर, 27 होगा सर। देखिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब हम लोग, कि एक सेकंड, फिर से देखिए एक बार, 2 का पावर -3, 3 का पावर -3 लिख दिया, ये माइनस को हटाने के लिए 1/2 का पावर 3 और 1/3 का पावर 3 लिखा है। यहां तक समझ में आया, किसको यहां तक समझ में नहीं आया, तो ये नहीं आया बेटा, मैंने बताया ना कि कभी भी, जैसे मैंने क्या कहा था कि अगर -10 का पावर -4 था तो क्या कर रहे थे, 1/10 का पावर 4 कर रहे थे ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए। तो यहां पर हम केवल इस नंबर को देख रहे हैं, 2 का पावर -3 है तो 1/2 का पावर 3 कर दिया, जैसे ऊपर किया था, वही बात तो कह रहा हूं मैं। और अलग अलग करेंगे ना, इसको ऊपर सॉल्व कर लिया हमने, रख लिया पूरा काम खत्म। अब 3 का पावर -3 था, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, तो 1/3 माइनस था तो प्लस हो गया, जैसे 1 लगाया हमने। ठीक है, सॉल्यूशन में ऐसे आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे मेरे नोट्स में, जम के रिवाइज करिए। अब 2 का पावर 3 है तो 3 बार 2 मल्टीप्लाई होगा, और 3 का पावर 3 है तो 3 बार 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 1/8/1/27। ये जो अगर ऐसा, अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो ये, इस चीज को समझाने के लिए मैं यहां बता रहा हूं। देखो, अगर 24/6 है, इसका मतलब कि चूंकि क्या हो रहा है, कौन सा मैथ के 4 ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, ये डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर 1/8 जो है, इस फ्रैक्शन को ये वाला फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो 1/8 हमने लिख दिया, ये बटे को हटा के यहां डिवाइड कर दिया, 1/27। और आपको पता है कि फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है, हम बिल्कुल सही। तो 1/8 डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई 27 भैया को ले जाएंगे ऊपर और 1 भैया को नीचे, 1 से 1 कट गया, 8 और 27 नहीं कट गया, तो आंसर इज 27/8। बात खत्म, क्लियर, कोई बात नहीं। आगे ये जो नोट्स में है, मैं और भी क्वेश्चन उसमें आपको मिलेगा, आप घर पे रिवाइज कर सकते हैं।